तो मेरे स्कूल से आ गई थी और यहाँ पर आना था मेरा कुछ पार्सल, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ किया था ऑर्डर, और मुझे इतना ज़्यादा परेशानी हुई आज पार्सल रिसीव करने में बहुत ही ज़्यादा। वो पूछिए क्यों, इसलिए कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि इसमें OTP मेरी प्रॉब्लम हो रही थी फ़ोन में, तो उसकी वजह से दिक्कत हो गई थी। तो फाइनली मैंने इन सब चीज़ों से फ्री होने के बाद किचन में आई, और किचन में मैं पहले से ही राइस को रख गई थी, तो इतनी सीटी आती है, इतनी मैंने सारी प्लेट्स वगैरह निकाल के रख लिया, और गर्मा गर्म राइस जो हैं वो रेडी होने वाले हैं। अब तो जल्दी से लगाते हैं फिर खाना, और सभी लोगों को बुलाते हैं क्योंकि भूपा का भी टाइम हो रहा है, नमाज के बाद वो खाना खाते हैं या फिर नमाज से पहले खाते हैं खाना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग खाने को रेडी करती हूँ। गर्मा गर्म खाना सर्व करना होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो पुप्पो भी आ गई हैं यहाँ पर लंच करने के लिए, और उसके बाद मैंने ज़रदा भी गरम कर लिया है। आज हमारे घर में येलो येलो राइस हैं सिर्फ, और यहाँ पर मैं कर्ड ले रही हूँ और सब लोगों को कर्ड दूंगी, क्योंकि कर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है और दही खानी चाहिए, बहुत हेल्दी होती है। और मैं घर पर ही जाऊँ, वेरी गुड माय, कितने अच्छे से जम करती है, जम जम जम। तो आज मैंने यहाँ पर बनाए हैं कबाब चिकन के, और यहाँ पर जो राइस है वो रखे हुए हैं, मैं राइस भी खाऊंगी थोड़े से, और अरहर की दाल जो फूफा की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, तो यहाँ पर हम लोग आज ये सब करने वाले हैं। और सब लोगों ने तो खाना खा लिया है, मैं रह गई हूँ, तो जल्दी से मैं और बच्चे खाना खा लेते हैं ताकि बच्चों को सुकून से सुला दूँ फिर मैं। तो बच्चों को यहाँ पर खाने से फ्री होने के बाद बच्चों को मैंने स्लीपिंग करा दी थी, फिर वापस से मैं डिनर के लिए आ गई थी किचन में। तो किचन में यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज आलू और अंडे की सब्ज़ी, तो उसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा सा मसाला रेडी कर लिया है। उसके बाद मैंने कट करके आलू डाल दिए, और एक साइड में बना दी चपाती, इतनी इसमें सीटी आती हैं। तैयार हो गई है, और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय भी बना दिए थे, मैं देकर आती हूँ उनको चाय, उसके बाद हम लगाएंगे खाना। तो आलू अंडे की सब्ज़ी जो है वो रेडी होगी, और इस तरह का शोरबा बहुत ज़्यादा पसंद आता है पूपा को, और इसे थोड़ा गाढ़ा रखती हूँ, ग्रेवी उनको अच्छी नहीं लगती, उनको बहुत ही हल्के शोरबे की चीज़ें पसंद आती हैं, तो इस तरह से ये वाली रखनी पड़ती है, क्योंकि ये ग्रेवी में भी बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी, मुझे ग्रेवी में ज़्यादा पसंद है। डिश आउट करने के बाद खाना खाया हम लोगों, चलिए चाय को तो मैंने एक साइड रख दिया है, अभी ये जो है बॉईल आने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक जाएगी। इतने हम ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं, तो सबकी फरमाइश हो रही थी आज खाने हैं एग ब्रेड, तो जल्दी जल्दी मैंने बना दिए सभी लोगों के लिए एग, और उसके बाद ब्रेड को टोस्ट कर लेंगे। तो ये पेपर और सॉल्ट के फ्लेवर के खाने हैं, और वैसे कुछ ऑमलेट वगैरह नहीं बनाना आज, इस तरह की फरमाइश हो रही है, तो जल्दी जल्दी मैंने सभी लोगों के लिए बना दिए, उसके बाद मैंने ब्रेड भी टोस्ट कर दिए। तो देखिए इतने ही चाय कितनी ज़्यादा टेस्टी हो गई है, लो फ्लेम पर पकी थी तो ये बहुत ही टेस्टी हो गई। तो जल्दी से निकाल लेते हैं कप में, क्योंकि बच्चों को भी रेडी करना है और ब्रेकफास्ट कराना है, और आज जा रहा है पार्टी लंच, क्योंकि आज बच्चों का सेलिब्रेशन है कुछ स्कूल में, उसके लिए मुझे लंच नहीं बनाना है, सब इसी तरह की चीज़ें देनी है, स्नैक्स ही देने हैं, और इनको पहनना है एक बहुत ही अच्छे सा लहंगा चोली, तो उनके लिए निकाल दिए हैं। आयशा को थोड़ी प्रॉब्लम होती है इस तरह की ड्रेसेस में, हुमैरा तो बहुत शौक़ से पहन लेती हैं। चलिए बच्चों जल्दी टाइम हो गया आपके, आप डांस वांस छोड़ दो और जल्दी से चलो चलो जल्दी, अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों को तो भेज दिया है, अब बच्चे जा रहे हैं अपने स्कूल, उसके बाद मेरा तो वही रूटीन रहता है किचन का। तो वापस से मैं आई फ्री होकर अपने कामों से किचन में, और यहाँ पर हो रही थी फरमाइश आयशा की कि मम्मा आज मटर पनीर खाना है, और मेरे हस्बैंड मटर पनीर लेकर आ गए थे, और मटर मेरे पास रखा हुआ था फ्रीज़ में, तो मैंने जल्दी से ग्रेवी बनाई इसकी बहुत ही अच्छी सी, और उसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डाला, थोड़े से बेसिक से मसाले डाल के ग्रेवी को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। उसको भूनने के बाद थोड़ी देर बाद मैं इसको चलाती रही और भूनती रही, और बहुत ही टेस्टी सी ग्रेवी इसकी रेडी हो गई। उसके बाद मैंने टमाटर को पीसा और उसमें डाल दिया,
और फिर क्या था, मटर पनीर हरी मिर्ची, तीन चीज़ रह गई थी। थोड़ा हमें क्रीम ऐड करनी थी इसमें, तो सबसे पहले हम डालेंगे मटर ताकि अच्छे से गल जाए। उसके बाद इसमें डालेंगे पनीर और यहाँ पर हम थोड़ी सी इसमें फ्रेश क्रीम, जो मैंने पहले ही फ्रेश क्रीम बॉल में करके रख ली थी। और मैं बाहर की क्रीम ना बहुत कम यूज़ करती हूँ, अपने घर पर ही क्रीम मिल्क की क्रीम उतार के वो यूज़ कर लेती हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर लगती है मुझे। बट अगर कभी प्रॉब्लम होती है कि होती नहीं है अवेलेबल, तो हम बाहर से यूज़ करते हैं। उसके बाद कसूरी मेथी को ऐड किया इसमें थोड़ा सा क्रश करके। उसके बाद क्या था, इसमें बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर के लिए सारी चीज़ों को तो हमने डाल दिया था, अब इसको लो फ्लेम पर पकाना था। इतनी ज़्यादा डिलीशियस सी ग्रेवी और बहुत ही टेस्टी सा मटर पनीर जो है रेडी हो गया। और बच्चों, आयशा को तो ये लग रहा था, मम्मा, आयशा ने असल में खाना नहीं खाया था दोपहर में, तो आयशा को ये हो रहा था कि मम्मा आज मटर पनीर ही खाना है, तो मुझसे ना मतलब मटर पनीर एकदम से बनवाया। और फिर मैंने चपाती बना की थी तब उन्होंने खाना खाया। उसके बाद सभी लोगों के लिए मैंने चाय बनाई और सारे बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आज हमें आइसक्रीम खिलाने लेके चलिए, तो सारे बच्चों ने अचानक से प्रोग्राम बना लिया था आइसक्रीम का। तो हम पास में एक मदर डेरी है, उसका डिसाइड हो रहा था कि मदर डेरी पर जाना है, तो हम लोग वेट कर रहे थे पूपा का कि पूपा नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे तो हम लोग निकलेंगे। तो घर के जितने भी बच्चे हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह सब जो हैं वो अब प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारी प्लानिंग जो है वो कामयाब हो जाए, वो आखिरकार हो ही गई। तो सारे बच्चे हम लोग निकल गए आइसक्रीम खाने के लिए। ये बिल्कुल भी मौसम अच्छा नहीं है आइसक्रीम का, बट जब ज़्यादा ज़िद करते हैं बच्चे तो फिर माननी भी पड़ती है। तो मेरा के आयशा के कज़न्स हैं ये सब, और हम लोग निकल गए हैं और हम आज जो है चलेंगे आइसक्रीम खाने के लिए मदर डेरी पर, और बाहर की कोई चीज़ ऐसी नहीं खानी है, बच्चों को खिला देंगे। तो हम लोग निकल गए हैं और पास में ही एक थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद एक पास में ही हमारी जो मदर डेरी है वो आ गई है, जिस पर से हम आइसक्रीम लेते हैं। हमने ना थोड़ा सा देखा कि कहाँ 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 कहाँ, फिर ये डिसाइड हुआ कि चलिए यहीं पर खा लेते हैं, कोई बात नहीं है, रात भी हो रही है और टाइम से घर भी पहुँचना है, क्योंकि डिनर अभी पुपोपों ने नहीं किया है। तो यहाँ पर फरमाइशें पूछी जा रही थी किसको कौन सी खानी है, एक खानी है, दो खानी है, ये खानी है, वो खानी है, बस यही डिस्कशन चल रहा था। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दी आइसक्रीम, थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। हमेशा की तरह मैं एक ही फ्लेवर की खाती हूँ, मतलब कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं यही खाऊं, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है कि दूसरी खानी है तो फिर देखा जाता है। तो यहाँ पर सब लोग खा रहे थे आइसक्रीम, उसके बाद सब ने फोटो वोटो कराए अपने। और ये सिद्रा है मेरी जो मतलब इनके जो भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनकी बेटी सिद्रा छोटी और बड़ी उमरा, और ये बेटे हैं हुसैन। तो हम सभी आ गए थे, बच्चे सभी ज़िद कर रहे थे, तो इसलिए हम लोग आ गए थे सब आइसक्रीम खाने के लिए। तो देखिए मैं आपको सिद्रा से मिलवाती हूँ। सिद्रा हेलो बोल रही हैं, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और शेयरिंग कीजिएगा मेरी वीडियोस की, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोग नए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया काफ़ी